पेश है प्लांट बायोटिक्स जाइटेक्स का बायो एग्री विभाग। नमस्कार साहब, मैं मांगीलाल मिला प्लांट बायोटिक्स जाइटेक्स कंपनी से आज ग्राम अगवानी में आया हूँ और हमारे एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमारे वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और अपन किसान से वेलोक्स की कहानी इनकी जुबानी सुनेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है आपका? अगवानी। आपका एक बार मोबाइल नंबर बोल दीजिए। 91 5410। और जिला कौन सा आपका? राज। आपने लगभग 1.5 से 2 महीने पहले इसमें क्या डाला था? ये बायोटिक कंपनी का वेलोक्स डाला था। वेलोक्स ये एक प्रोडक्ट डाला था इनने, जो इनके मवेशी है उनका गोबर यहाँ डालते हैं और उसको जो 2 साल में तैयार होता है वो इनके यहाँ 2 महीने में तैयार होके कंप्लीट होगा। वो खुद बताएंगे आपको कि कैसे इनके यहाँ तैयार हुआ, इनने कैसी प्रक्रिया करी। जैसा आप सब लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल ये पक के तैयार हो गया। और आपने किस तरह से डाला, थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताएंगे। इसमें जो खाद ये आप बना, ये 2 साल में बनता था पहले। आपने डालने की प्रक्रिया कैसे करी? प्रक्रिया इसमें 1 किलो में 500 ग्राम गोबर को डिस्टर्ब करा। हमारे साथ एक हमारे और किसान भाई है, भाई साहब आपका नाम बताएंगे। मेरा नाम सुनील है। जैसा आपने देखा इनके यहाँ ऋषिराज जी के यहाँ, इनने गोबर में हमारा एक ये वेलोक्स नाम की दवाई डाली थी, तो आपको लग रहा कि इनका गोबर पका के नहीं पका? नहीं, एक नंबर पका, ये दवाई आई एक नंबर। हमारे साथ एक और किसान भाई है यहीं से, आपका नाम बताइए। रमेश मीना। रमेश जी मीना, हाँ तो आपने इनका गोबर देखा, ये पका के नहीं? देखे थे, पक्का। ये गोबर पहले कितने दिन में पकता था? 2 साल। और अभी इनके यहाँ 2 महीने में गोबर मतलब फेंकने लायक हो गया ना? इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं फर्जी बोल रहा हूँ? तो आप जी हमारे और किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये 2 साल में भी कंप्लीट नहीं होता है खाद, जो 2 महीने में कंप्लीट होगा। 50 से 55 दिन हुए इसमें, बिल्कुल देखो आप पूरा खाद भुरभुरा होके तैयार हो, पूरा आपके चांद की बत्ती की तरह ये हो गया खाद। ये पहले 2 साल में नहीं होता था। और देखो इसमें बदबू भी नहीं आती गोबर की। और जिसके बाद में मांगीलाल भैया ने ये बताया इसमें कि जो अपने इसमें जो कचरा उगता है खेत में चारा जी, वो पूरा बीज बीज के साथ में ये नष्ट कर देता है। इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत है कि इसके अंदर जो बीज है अपने कचरे के, वो सारे बीज नष्ट हो जाएंगे और ये फेंकने में भी सुविधा रहेगी। और मुश्किल से 20 से 25 कट्टी जो 50 किलो की होती है, इसे भर के आपको 1 बीघा में डालना है, ना कि आपको भर के ट्राली भर के डालना, कम मात्रा में डालना और अच्छा काम होगा। 2 बीघा में अपन खाद डाल देते, वो 10 बीघा में आ जाएगा आराम से। जय सीताराम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने वीडियो पूरा देखा और आपको ये देखने के बाद अच्छा लगता हो तो आपके घुड़े में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ताकि ये खाद जैविक खाद बनकर तैयार हो जाए। नमस्कार।